हेलो गाइस, एक बार फिर आपके लिए वीडियो लेकर आ गया हूँ। क्या आप अजवाइन की रोटी बनाना जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो बन रही साथ में इस वीडियो में एंड तक। चलिए चलते हैं। वेल गाइस, सबसे पहले 400 ग्राम आटा ले लेना है। आटे के बाद 1.5 चम्मच अजवाइन, 1.5 चम्मच नमक और थोड़ा सा रिफाइंड इसमें मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसको बढ़िया से गूंद लेना है और तैयार करना है। बने रहिए साथ में और बताता हूँ। वेल गाइस, इसमें हमने नमक भी डाल दिया है स्वाद अनुसार, जैसे कि आपको मैंने बताया है। इसमें थोड़ा सा रिफाइंड भी डालना है ताकि बनने के बाद थोड़ी करारेपन आ जाए, थोड़ा खाने में क्रंची लगे। और अभी हम आटा बिल्कुल तैयार कर रहे हैं गाइस। आटा तैयार होने के बाद पूरा आपको डिटेल बताऊँगा एंड तक। बन रही है साथ में इस वीडियो में, चलिए चलते आगे और देखते हैं। वेल गाइस, आटा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया, हमने गूंद दिया है पूरा। थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा और उसमें पूरा तैयार कर रहा हूँ आटे को। आटा हमारा लगभग बिल्कुल तैयार हो गया है, चलिए चलते आगे और बनाता हूँ आगे रोटी इसकी। जब इसकी रोटी बनाने लग गया हूँ मैं, जब तक रोटी हमारी जब तक ये तैयार हो रही है पूरी कंप्लीट आपको बता रहा हूँ। बनने साथ में वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना, एंड तक बने रहना रिव्यू में इस वीडियो के अंदर। कुछ और बता रहा हूँ इसमें, बढ़िया से इसको बढ़िया से बेल देना है। बेलने के बाद थोड़ा इसमें इस तरह का ये लाइन खींच देनी है ताकि बनने के बाद ये थोड़े अच्छी बढ़िया नरम क्रंची बने। और क्रंची बनने के बाद अब खाने में टेस्ट भी लगेगा और बढ़िया लगेगा खाने में। चले चलते आगे प्रोसेसर बता रहा हूँ। पढ़ते हैं चूल्हे की ओर और उसको बनाते हैं, रोटी को बना के तैयार करते हैं, आपको पूरा बता रहा हूँ एंड तक। बन रही साथ में वीडियो में, चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और शेयर भी ज़रूर कर लेना। वेल गाइस, चूल्हे पे हमने ये लगा दिया अपना तवा, थोड़ा सा रिफाइंड इसमें डाल देना हल्का सा। रिफाइंड डालने के बाद अभी हम इस पर रोटी सेकते हैं। ये रोटी हमने इससे सेक ली है, इसको बढ़िया से पकने दो, लगभग 10 मिनट तक पकने दो कि इस तरह का थोड़ा हल्का पक जाइए। पकने के बाद थोड़ा सा और रिफाइंड डाल देते हैं इसके ऊपर सेकने के लिए, ताकि खाने में क्रंचीपन और थोड़ा बढ़िया से पका हुआ बन जाए। इसको साइड चेंज करते हैं रोटी की, और रोटी को भी पलट रहे हैं दूसरी साइड पे। उसको पकाना बढ़िया से, धीमी आंच पे रखना है, 10 मिनट तक आंच रखना है, फुल तेज नहीं रखना है, नहीं तो आपकी रोटी जल सकती है जो अजवाइन रोटी हम बना रहे हैं, ताकि बढ़िया से बने और खाने में क्रंचीदार टेस्ट लगे। अगर इस तरह का वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर इस तरह का वीडियो और चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम बना के लाऊं, तो चैनल को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें इससे खुशी हमें मिलती है कि हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, तो आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे बिल्कुल रोटी बनने के लिए खाने के लिए तैयार हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय। ये रोटी हमारी बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल लाइक चैनल को कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट।